श्रीमान, जो व्यक्ति इनके साथ बलात्कार करता है उसके ठीक एक महीने के पश्चात आप उन्हें फोन करती हैं सहायता हेतु। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप अभी भी उन्हें अपना परम मित्र समझती हैं। मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन ये घटना 24 जून के बाद की घटना थी। परिस्थितियां बदल चुकी थी और आप जिस व्यक्ति से सहायता मांग रही थी वो व्यक्ति अब आपका मित्र नहीं था। कुमारी डाली जी, आपको नहीं लगता कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही। संजय शास्त्री ने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया था, अन्यथा आप सहायता के लिए उन्हें फोन नहीं करती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर डायरेक्टली जोर दिया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। धन्यवाद। कुमारी डाली जी, अगर आप झूठ बोल रही हैं, तो इस बार आप लंबे समय के लिए जेल जा सकती हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, पुनः पूछता हूं कि क्या संजय शास्त्री ने आपके साथ बलात्कार किया? बताइए। This was not my idea. संजय शास्त्री ने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया। और ना ही तो उसने काजल के साथ कुछ किया। Your Honor, मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। अदालत मिस डॉली की बात सुनना चाहती है। मगर Your Honor, प्लीज आप बैठ जाइए। I mean, वो मेरा दोस्त था। जेल में जब मैं सड़ रही थी तब वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। वो तक नहीं किया उसने। तीन महीने मैंने उस लड़ में कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर उसे इससे क्या? उसी दिन से मैं इससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए जब काजल ने कहा लेट्स डू इट तो मैं तैयार हो गई। काजल? हाँ, काजल संजय से प्यार करती थी तो कई बार काजल ने उससे एक्सप्रेस भी की पर संजय ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बिकॉज ही वॉज इन लव विद समबडी एल्स। That's why even Kajal wanted to hurt him. You bloody liar! You bitch! I'll kill you! You bitch! Kajal, you'll pay a heavy price. Kajal, relax. मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं. I'll finish you. Kajal, please, relax. Kajal. देखा? अरे मैंने कहा था ना, जीत हमारी ही होगी. कैसी जीत? सब कुछ तो चला गया. लगता है घर भी बस थोड़े बहुत दिन और है. अरे संजय बाबू, कुछ नहीं गया है और कुछ नहीं जाएगा। और अब आप देखिएगा, ये जाने का नहीं, अब तो आने का समय है। आने का, देखिए हमने उनसे कितना आग्रह किया था कि भैया केस वापिस ले लीजिए। अच्छा हुआ जो केस वापिस नहीं लिया, अन्यथा ऊंट जो है पर्वत के नीचे आता कैसे। आई मीन द कैमल कुड नेवर कम अंडर द माउंटेन। ये देखिए। ये क्या है? निमंत्रण पत्र अर्थात इनविटेशन कार्ड। बस एक बार इसके वहां पहुंचने की देर है। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या करूं मैं इसका? देखिए मिसेस कपूर, रहने दीजिए। अब आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। आप ही ने मुझे इस स्टैंप पेपर पर साइन करने के लिए कहा था ना? और अब आप ही कह रहे हैं कि अदालत में जाने से भी कुछ नहीं होगा। 4-5 साल अगर केस चला भी तो आखिर में पैसा हम ही को देना होगा। इससे बेटर तो यही है कि हम कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करके मामला निपटा लें, राइट? जी। डिस्गस्टिंग। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आप जैसे आदमी को अपना वकील बनाया।
जो दो कोड़ी के आदमी को अदालत में हरा नहीं सका। मिसेस कपूर, मैं क्या करूं जब गवाह भी। अपनी गलतियों का इल्जाम किसी और पर मत डालो मिस्टर सहगल। ठीक है, अदालत में हम गवाह की वजह से हार गए, लेकिन इस स्टैंप पेपर पर साइन करने के लिए किसने कहा था? कहां गया आपका 100% का रिकॉर्ड? आपकी गलतियों का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, और जब आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दी है तो एक मेहरबानी और कर दीजिए। क्या मिसेस कपूर? जस्ट गेट आउट। मिसेस कपूर, जस्ट गेट आउट, क्योंकि आज से आप मेरे वकील नहीं। मिसेस कपूर, एक मिनट, आप मेरी। गेट आउट। गिन लो, पूरे 15 करोड़ रुपए हैं। इट्स ओके, मुझे आप पर भरोसा है। देखा मैडम, इसे कहते हैं सजनता, यानी कि जेंटलमैनशिप। आपको धन्यवाद देना चाहिए इनका कि ये इतने में मान गए। आपको पता है, अगर इनकी जगह पर मैं होता तो 20 करोड़ में से एक पैसा भी कम नहीं लेता। ये फोर बट छोड़ो, पैसा तुम्हें मिल गया है, जाने का रास्ता भी वही है जहां से तुम अंदर आए थे। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्थान करें क्या? यकीन कीजिए मिसेस कपूर, जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे जरा भी खुशी नहीं। काश ये सब नहीं होता, पर शायद ये सब होना था। डेस्टिनी, यू सी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। नमस्कार।